गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। तो मैं निकला हुआ अभी लुधियाना से और राइड स्टार्ट हो गई है टूवर्ड्स पठानकोट श्रीनगर। आज मैं अकेला ही निकला हूँ क्योंकि बाकी राइडर जो है बहुत थके हुए थे तो विश्राम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी राइड 175 किलोमीटर पीछे चल रही है। आज हमें पठानकोट से निकलना था लेकिन अभी तक हम लोग पठानकोट पहुँचे नहीं है। श्रीनगर यहाँ से 480 किलोमीटर है, पठानकोट 71 और जम्मू 181। नमस्ते भाई साहब, आगे पेट्रोल पंप किधर है, कितना दूरी पे है? इधर ही बाजू में ही है। ओके ओके शुक्रिया। 8 लीटर कितना है यहाँ पे रेट? 100 रुपीज़। वहाँ पे तो 100 दिख रहे हैं। अच्छा 96 रुपीज़ 14 पैसे। इस हाईवे का 4 से 5 किलोमीटर का हिस्सा हिमाचल में आता है, तो हम लोग पंजाब से हिमाचल में एंट्री करते हैं और 4-5 किलोमीटर के बाद वापस हम लोग पंजाब स्टेट में ही जाते हैं। अभी हम लोगों ने एंटर किया है NH 44 पे। तो दोस्तों देखो, मेरी एंट्री हो गई है जम्मू कश्मीर में। ये अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी है और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह जो यहाँ के राजा थे डोगरा डेंसिटी के, उनका यहाँ पे एक भव्य पुतला है। जम्मू कश्मीर में एंटर करते ही मेरा सिम कार्ड बंद हो गया। शायद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैप काम नहीं कर रहा है। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या हो गया। 2 मिनट के बाद समझ में आया, अरे हाँ यहाँ तो अपना सिम कार्ड काम नहीं करेगा। तो आप कभी भी आते हो तो ये बात ध्यान रखिए कि अपना प्रीपेड सिम यहाँ पे चलता नहीं है। नमस्ते भाई साहब, सिम कार्ड मिलेगा आपके यहाँ जो लोकल चलता है? क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको? आधार कार्ड चाहिए। और वो तो दोस्तों सिम कार्ड लेने में लगभग आधा घंटा चला गया। अभी ब्रेकफास्ट करना बाकी है। सिम के चक्कर में मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि एक बार खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अभी इंसान को सिम कार्ड और इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गया है। नमस्ते भैया, नारियल पानी 60 रुपये? अरे बाप रे, इतना महंगा? तो भाई एक छोटा सा ब्रेक, जस्ट 3 to 4 मिनट्स का नारियल पानी पी लिया और अभी सोचा हूँ कि जम्मू जाके ही कुछ खा लूँगा तो ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ब्रंच कर लिया, उससे मेरा समय बचेगा। मेरा कैलकुलेशन आज पूरा समय का और किलोमीटर्स का है। सुबह जब निकला तभी से सिर्फ 260 किलोमीटर्स का राइड हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पहुँच के आज बाइक का वॉशिंग कर लूँ, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो बाइक का हालत ऐसे हुआ है कि गांव में वो चूल्हे के ऊपर बर्तन रख के खाना पकाते ना, तो जो बर्तन का हाल हुआ नीचे से वही हाल अपने बाइक का हुआ है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जम्मू सिटी में पहुंच गए हैं और ये राउंड अबाउट से हम लोगों को लेना है राइट टर्न। तो हमारे साथ साथ आपका भी जम्मू में स्वागत है। दुर्भाग्य की बात है कि समय की कमी होने के कारण मैं जम्मू सिटी में कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो जम्मू सिटी को हम लोग अभी बाय बाय करते हैं और आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स कटरा। कटरा यहाँ से 37 किलोमीटर है। ये जम्मू का IIT कैंपस है और जस्ट नेक्स्ट टू IIT कैंपस ये मिडवे प्योर रेस्टोरेंट है। तो मैंने सोचा अभी लंच का समय हो ही रहा है तो यहाँ पे लंच कर लूँ।
एक छोटा सा टनल आ रहा है। तो ये अपने राइड का सेकंड टनल है। दो दिन पहले एक छोटे से टनल से हम लोग गुजरे थे और आज ये सेकंड टनल से गुजर रहे हैं। दोस्तों तो ये देखिए, ये कटरा वैष्णो देवी जाने वाला रास्ता, यहाँ से लेफ्ट लेके जाना है, लेकिन हमारे आइटनरी में वैष्णो देवी डेस्टिनेशन नहीं था, इसीलिए हम लोग सीधा जा रहे हैं। यहाँ से श्रीनगर है 221, पटनीटॉप 86 और उधमपुर 39। ये देखिए दोस्तों, ये है श्रीनगर के पहाड़, या कश्मीर के पहाड़ बोल सकते हैं हम लोग इसे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसके ऊपर बादल और ये नीला नीला आसमान। इस ब्रिज को देखिए, ये रेलवे का ब्रिज है। ये देखिए बराबर सामने से हम लोग देख रहे हैं, एक ही पिलर है और उसका हाइट बहुत कुछ ज़्यादा है। यहाँ से तो उतना लगता नहीं है, लेकिन नज़दीक जाके देखेंगे तो पता चलेगा। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि ट्रक खड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं। अच्छा, एक बात पूछनी थी। मैं देख रहा हूँ बहुत देर से लंबी लाइन लगी है ट्रक की, सब पार्क किए हैं यहाँ पे रोके ना कानवे, कल छोड़ेंगे। अच्छा, वहाँ से छोड़ेंगे श्रीनगर से ना। हाँ, कल यहाँ से छोड़ेंगे, इसलिए रोकी है गाड़ी। अरे बाप रे बाप, वन वे है ना, एक दिन वहाँ से एक दिन यहाँ से। अच्छा, एक दिन पूरा दिन आपको इधर रुकना पड़ेगा? पूरा दिन यहाँ, कल 12-1 बजे छोड़ेंगे। रात को? हाँ, नहीं कल दिन को। तीन को मतलब आज सुबह से रोक के रखा है? कल शाम से रोका है। कल शाम से रोका है? अरे बाप रे बाप। वही मैंने देखा कि बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, तो क्या वजह क्या है? शुरू में मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा कि पार्क करके रखी है, लेकिन बाद में मुझे ऐसा पता चला कि कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस है, या तो एक्सीडेंट हुआ है। पहाड़ी वाला रोड है ना? हाँ हाँ हाँ, पहाड़ी वाला रोड है, उस वजह से उधर सिंगल ही चल रहा है। ओके ओके, डबल नहीं चल रहा है। ओके, रोड का काम चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तकरीबन 5-10 साल से रोड का काम चल रहा है, अभी 4-5 साल। बराबर है। तो आप कहाँ तक जाने वाले हैं? हम सर जाने वाले हैं श्रीनगर तक। और आप? ओके ओके, नहीं मैं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं लेह लद्दाख जाने वाला हूँ, तो आप मतलब जाने वाले होंगे। तो सर एक्चुअली ऐसा बात है कि लेह लद्दाख के लिए ये गाड़ी इन्होंने अलाउ अभी नहीं किया है। अच्छा अच्छा, अलाउ किया है 6 चक्का। ओके ओके, हाँ ये डबल एक्सल वाला है। बिल्कुल बिल्कुल आपका। ओके ओके ओके, जो रास्ता है सर वो खाली 6 महीने के लिए खुला रहता है, 6 महीने, 7 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ के बाद। ओके, 4-5 महीना वो रास्ता बंद हो जाता है। बराबर बराबर, बहुत जानकारी मिली आपसे और आपको, आपसे मिलके बहुत खुशी भी हो गई। चलो चलो, शुक्रिया। अभी यहाँ से पटनी टॉप के लिए दो रास्ता है, एक यहाँ से टोल रोड जा रहा है और ये एक पुराना वाला रास्ता है। कौन से रास्ते से जाऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग ये लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे। सर जी, राम राम। राम 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 राम। मुझे पटनी टॉप जाना है, तो कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा? अच्छा नहीं, लेकिन मतलब मैं अभी घूमने के लिए आया हूँ, तो मेरे पास और समय की भी थोड़ी कमी है, तो कौन से रास्ते से जाऊँ तो मेरा घूमना भी हो जाएगा और समय की भी बचत हो जाएगी। आपके पास बाइक है सर? हाँ हाँ, ये वाला रास्ता रोड भी खाली है। अच्छा, फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं टनल से जाऊँगा, क्योंकि वापस ये रोड से तो आना नहीं है, टनल देखना है तो ये एक ही मौका है। इस टनल का नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। ये देखिए, हेलमेट नहीं पहना, कुछ नहीं पहना, विदाउट हेलमेट वो जा रहा था, वो गलती तो थी, लेकिन हेलमेट साथ में होने के बावजूद भी वो पहन नहीं रहा था, ये दूसरी बड़ी गलती थी। और इस टनल में कुछ तो
50 का लिमिट है, ये देखिए यहाँ पे 50 किमी पर आवर। तो हम लोग ज़्यादा स्पीड में नहीं जा सकते, नहीं तो हो सकता है कि हमें फाइन पे करना पड़े। तो टनल में हम लोगों ने 243 को एंट्री की थी, अभी देखते हैं कितना समय लगता है। ये सब मिट्टी और धुआं दिख रहा है क्योंकि मिट्टी का स्मेल आ रहा है मुझे, टनल के अंदर भी बहुत मिट्टी आती है। मैंने जब से एंट्री की है ये पूरा स्ट्रेट टनल है, इसमें अभी तक तो कुछ भी मोड़ नहीं आया है। यहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध है, ये फ़ोन की सुविधा है, फायर एक्सटिंगुइशर लगाए हुए हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई गाड़ी फेल हो गई या फायर कैच हो गया तो हम लोग तुरंत वो फायर एक्सटिंगुइशर का इस्तेमाल करके आग बुझा सकते हैं, या फिर किसी भी मदद के लिए अथॉरिटीज़ को कॉल कर सकते हैं। टनल चालू होने के बाद ये पहला मोड़ मैंने देखा है, उसके बाद ये दूसरा मोड़ और टनल ख़त्म। दी एंड। नमस्ते। कुछ नहीं, ऐसा मैं घूमने के लिए निकला हूँ, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए मैं बोला चलो देखूँ। चलेगा ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, आप कहाँ से हैं? हम लोग मुंबई से। अच्छा, मुंबई से। नहीं, बस यहाँ क्या, यहाँ सिर्फ पानी की परेशानी। हाँ, बारिश का पानी ज़्यादा आता है। तभी यहाँ पानी आता है या कम अंदर आता है? हाँ, बराबर है। तभी तो हमने कहा ये करेंगे। ओके ओके, तो ये स्लैब जैसा डाल रहे हैं आप? हाँ, स्लैब डालेंगे ना। अच्छा, अंदर नाली यहाँ से बनाएंगे। अच्छा, स्लैब डाल के नाली का पानी जो सीधा वो नाला है आगे तो उसमें जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। और चाय चाय पियो? नहीं सर, नहीं सही, शुक्रिया। अभी अभी खाना खा के निकला हूँ। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी पटनी टॉप जा रहा हूँ, फिर पटनी टॉप से शायद आज शाम को या फिर कल सुबह से जल्दी उठ के श्रीनगर पहुँच जाऊँगा। अच्छा। और उसके बाद फिर लेह लद्दाख जाना है। बड़ा सफर है। हाँ, बड़ा सफर है, आज चौथा दिन है। मुंबई से निकले बाइक पे, बाइक के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, हम लोग 5 लोग हैं। मैं आज सुबह जल्दी निकला, बाकी लोग अभी पीछे आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा दूर है और मुझे टनल भी देखना था। ये नाशिक टनल। हाँ, अच्छा है, बराबर बराबर, सही बात बोला आपने। मुझे बराबर 10 मिनट लगे, मैं 60 का स्पीड में आया, 50-60 का, तो 10 मिनट लगे। ठीक है ठीक है, चलो सर जी, शुक्रिया। या थैंक यू। आई होप दैट योर जर्नी विल रिमेन सेफ एंड साउंड। सर बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, तो अभी हम लोग पटनी टॉप पहुंच रहे हैं। पटनी टॉप बस 5 मिनट की दूरी पे है। रास्ता तो एकदम बढ़िया बनाया है, आप नज़ारे भी देख लीजिएगा। ये है यहाँ के लंबे लंबे पेड़। ये व्यू भी अच्छा है, यहाँ अकोमोडेशन मिलेगा तो क्या मज़ा आएगा। लेकिन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ तो है, ऑफिस या गेस्ट हाउस हो सकता है। ऑफिस तो नहीं रहेगा, गेस्ट हाउस ही होगा।
फिर भी कितने कितने साल पुराना रह गए? ये दो साल या तीन साल की बात करो आप। अच्छा अच्छा, ओके ओके। नाथ बाबा का मंदिर है? ओके ओके। सच्चे दिल से जो मानते हैं उसकी हमेशा के लिए मनोकामना बराबर होती है। ओके ओके, ठीक है, शुक्रिया। आपने सुना होगा कि ये कुछ सैकड़ों साल पुराना मंदिर है नाग बाबा का, और उनका कहना है कि यहाँ जो भी कोई सच्चे दिल से कोई मनोकामना करता है तो वो मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे ये नोटिस लगाया है कि जूता और चमड़े का सामान अंदर ले जाना मना है। चलते हैं अंदर और दर्शन ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यह है मंदिर, और इसी मंदिर के बाजू में अभी ये नए मंदिर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।